Hi guys, welcome to Biker Delights. International Airport, Bengaluru. So I'm at the Bangalore Airport right now. First impressions feels very good. अच्छा लग रहा है यहाँ पे. Weather is hot. मतलब Delhi में जब hot होता है तब इससे ज़्यादा ही होता है. But अभी के हिसाब से hot है क्योंकि Delhi में अभी भी okay ही है. गर्मी नहीं लगती. But यहाँ गर्मी लग रही है. And I'm gonna ride something now. हाँ जी. हम फ्लाइट में भी अपना हेलमेट लेके आए हैं. तो बैंगलोर में आज फ्लाइट से उतरते ही चलाने वाले हैं बाइक. देखो कौन सी है. रेडी? तो ये है हमारी. So I have parked the bike and put my bags and luggage in the room. It's around 6:30 right now. Walking in the Bangalore streets. Actually, chai peeni hai. So, chai ki dukaan dekh rahe hain. Some local chai. So, tea kuch na hi zyada khaas hai na hi zyada kharab hai. इट्स न्यूट्रल. और हम वहाँ पे रह रहे हैं और यहाँ पे चाय पी रहे हैं. अभी एक बार ट्रैक की तरफ होके आएंगे ताकि जस्ट टू गेट एन आइडिया कि कल सुबह जब जा रहे हैं तो रूट क्या है. मैं सोचा नहीं था इतना दूर पड़ जाएगा. बट एयरपोर्ट वाज क्वाइट फार. इट टुक मी ऑलमोस्ट क्लोज टू 2 hours. क्योंकि आई वाज सर्चिंग फॉर द रूट ऑल्सो. I didn't know the route and even in Google Maps it was showing around ki 1 ghanta 20 minute ke aas pass lag jayega. So it's quite far aur traffic bhi tha but it was moving. It wasn't stagnant traffic. So but traffic sense bura nahi hai yahan ka. Matlab Delhi se to kafi acha hai. Baki bus lane ek alag sa जहाँ से सिर्फ बसेस जाती हैं. तो इट्स ऑर्गेनाइज. द रोड्स आर वेल ऑर्गेनाइज. मुझे तो मज़ा आया चलाने में. एंड ऑफ कोर्स BMW इज़ BMW. इट हैज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट द GS 310 इज इट हैज़ पावर इन ऑल द गियर्स. तो हर गियर में आपको वही मज़ा आता है. इट वॉज क्वाइट फन. एयरपोर्ट से अपने होटल तक काफ़ी मज़े करते हुए आए. बट टाइम ज़्यादा हो गया. लाइक आई लैंडेड अराउंड मैं 2:40 तक आ गया था. उसके बाद आई केम आउटसाइड एंड देख रहा था कि क्या सेल्फ ड्राइव व्हीकल्स होंगे. तो फिर मुझे सेल्फ ड्राइव व्हीकल मिला एंड देन प्रोसीजर करना पड़ा. तो वहाँ पे काफ़ी टाइम चले गया. आई took the vehicle around 4:30 and I reached the hotel around 6.
सो इट्स क्वाइट अ जर्नी. देर इज अ बिट ऑफ अ पार्किंग इशू. आई हैड टू park it like this and now I'm crossing. Whoa. So I've parked it somewhat like this. The hotel, fab hotel Astra, doesn't have a proper parking. Pretty big issue hoti hai. But I guess it's good enough there because I would be telling the security guard that him bhul gaya unko he'll take care and now it's time for me to rest. Good morning guys. So it's day 2 and I've come for breakfast. And breakfast karke we'll go to the location for the ride. Truck ride, briefing, all that. It'll be fun. Raat ko puri raat ko neend hi nahi aayi. Like it was very disturbed sleep. Excitement itni thi jaane ki. हर एक घंटे में आई वॉज जस्ट वेकिंग अप. मतलब एग्जैक्ट लाइक मतलब 3 बजे, फिर 4 बजे, फिर 5 बजे, फिर 6 बजे. लाइक कॉन्स्टेंटली आई वॉज जस्ट पिकिंग अप माई फोन एंड सीइंग टाइम हुआ कि नहीं हुआ, टाइम हुआ कि नहीं हुआ. एंड एज सून एज इट हिट 6 उठ के एकदम आई जस्ट गॉट रेडी. There's one person on the track and one person is going. So the guy you saw is a professional guy and I couldn't shoot mine because the suit was, I was wearing it for the first time and it was quite tight. तो खुद का तो शूट किया नहीं, बट ओवरऑल इट वेंट नाइस. हम भी आए, तुम सही व्यू ले रहे हो. ट्रैक के ओ हो रेव लिमिटर मार रहा बंदा. गुड वन यार. बस आजा 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 फ्रेम में आजा. आ गया. जब सो जा रहा गाड़ी देख के लग रहा है. बीच का यूज ही नहीं किया. सेफ साइड्स. बहुत मस्त. बहुत हार्ड. इट्स क्वाइट फन टू बी हियर. बहुत मज़ा आया. एंड आई जस्ट शो यू द राइडिंग गियर दैट आई वॉज वेयरिंग. दैट्स माई हेलमेट एंड आई वॉज वेयरिंग दैट सुपर. मतलब पहन के पैंट बच जाती है. इट्स टाइट एंड इट्स एक्चुअली टू प्रोटेक्ट यू. हमें प्रोटेक्ट करने के लिए होता है बट इट वॉज क्वाइट टाइट फॉर मी. द शूज वर क्वाइट रिजिड बट ओवरऑल द एक्सपीरियंस वॉज ग्रेट. बहुत मज़ा आया. चलो रोड पे मिलते हैं.
आई मीन चिकनाहाली राइट नाउ, स्टॉप्ड फॉर अ क्विक चाय ब्रेक. दिस इज अ स्टनर. यू कैन जस्ट पे फॉर द वे इट लुक्स. द वे इट लुक्स इज जस्ट ब्यूटी. मतलब इट्स समथिंग दैट वन स्टॉप्स टू टेक अ लुक. अदर देन दैट द इवेंट वॉज ग्रेट, हैड ग्रेट फन. लोग बहुत अच्छे थे वहाँ पे, जो थे सब क्योंकि सेम मेंटेलिटी शेयर करते हैं टू राइड टू गो प्लेसेस. ट्रैक एक्सपीरियंस इज ट्रैक एक्सपीरियंस मैन, नथिंग कैन बीट इट. तुम कितना भी यू नो रोड पे चला लो, डू टॉप स्पीड्स, ये इट्स फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स नॉट सेफ. एंड बट द काइंड ऑफ फ्रीडम, द सेंस ऑफ एडर्नलिंग दैट यू फील ऑन द ट्रैक इज ऑन अ डिफरेंट लेवल. सो आफ्टर अ ग्रेट डे आई विल बी हेडिंग बैक टू दिल्ली. आई हैव अ फ्लाइट टू नाइट. In some time I'll be going to the airport and back to work in Delhi. Thank you so much for watching. Have a great day ahead. Shalom.